तो भाई साहब करेंगे होमवर्कआउट। तो होमवर्कआउट में आज हम ट्रेन करेंगे अपर बॉडी को। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप। आप उसको ट्रेन नहीं करने वाले, हर बॉडी पार्ट में पता रहना चाहिए। अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी पहले आपको 10 से 15 मिनट, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको करके। फुली स्ट्रेच करनी है आपको हर बॉडी पार्ट। चलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो आज अपर बॉडी का वर्कआउट दिखाऊंगा आपको करके। तो सबसे पहले हम करेंगे आज ट्राइसेप्स को ट्रेन। तो चलिए इसे सबसे पहले करते हैं प्रो को। तो इसके चार सेट कर लेंगे। तो सबसे जो पहला सेट है उसको लेंगे वर्किंग सेट, उसमें हमको सबसे कम वेट रखना जितना हो सकता है और मैक्सिमम रैप निकालना। तो चलिए वेट चेक कर लेते हैं सर। ये मैंने लगा रखा 10 kg। तो इसमें हमको सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम निकालना जितना हम निकाल सकते हो। पोजीशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। सबसे पहले स्ट्रेट खड़े हो, बैक स्ट्रेट रहना चाहिए, एल्बो आपको लॉक होनी चाहिए और प्रॉपर स्लो और कंट्रोल मूवमेंट होनी चाहिए साथ। और माइंड मसल कनेक्शन बहुत जरूरी है, ये बात याद रखना, तभी आपके मसल ग्रो करेंगे। फर्स्ट सेट आपका वर्किंग सेट, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रैप निकाल लेते हैं बहुत ज्यादा आपका। उसके बाद आपको 3 सेट करने जो है वर्किंग सेट, जिसमें आपको वेट बढ़ाना कितना है जितना आप लगा सकते हो और उसमें आपको रैप करने 12 से 15 मैक्सिमम। उसके बाद आपको साइड साइड मारना वर्किंग सेट। तो हमने 5 kg इंक्रीज कर दिया। तो सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं और यह आप वर्किंग सेट और उसमें आपको निकालना है 12 से 15 रैप होंगे, ज्यादा नहीं निकालना, साइज गेन होगा कम रैप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका फर्स्ट वर्किंग सेट है। इसी तरह आपको सेट बढ़ाने तो अपने वेट इंक्रीज करते जाना और 4 सेट मारने एक एक्सरसाइज है। तो चलिए वेट इंक्रीज करते हैं 5 kg हो। अब थोड़ा सा रेस्ट लेना, बट रेस्ट लेने के लिए ये समझ लो कि खड़े हो जाओ बैठ जाओ, थोड़ा मूवमेंट करते रहा था, उससे आपकी बॉडी खुल सके पूरी प्रॉपर। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो बीच में रेस्ट कर। फ्लैक्स करते रहा करो बीच बीच में, जो आपका रेस्ट पीरियड होता है उसको फ्लैक्स करो बोर्ड को। और 20 सेकंड का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है बीच में, ये बात याद रखना। कंटिन्यू करोगे तो मसल को रिपेयर होने के लिए रेस्ट कुछ जरूर चाहिए बीच में। तो चलिए थर्ड सेट स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्स 15 सेकंड हो चुके हैं। तो थर्ड सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें ध्यान देंगे इसमें 12 रैप निकाल देंगे। जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा रैप कम होते जाएंगे। 4 5 6 7 8
इसी तरह आगे फॉलो करते जाना, फोर साइड में आपको फिर 5 kg और इंक्रीज कर दो और फिर से आपको निकालना 10 kg निकालना इसी तरह। तो आपको 25 kg हो गया इसमें। बट उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। रेस्ट बहुत जरूरी है इसमें 20-25 सेकंड का हर सेट के बाद। इस बात का जरूर ध्यान रखना, कंटिन्यू करोगे तो अच्छा मोमेंट नहीं देगा। बीच में फ्लैक्स करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फोर्थ सेट करते हैं, मतलब सेट है लास्ट और फाइनल सेट है। केवल मैं कुछ डालूंगा तो इसमें हमको निकाल के 10 सेट का आप पूरा बिल्कुल मतलब 10 रैप के बाद इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आप पहले एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए, ट्राइसेप्स का काम। तो चलिए सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स की। तो जो सेकंड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो है आपके ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। तो चलिए कोई बीच में रेस्ट लेते हैं तो आप बीच में एक सीट जरूर लेंगे। मैं तो पुश कर लेता हूं जो उसमें फास्ट एंड अपर, इससे आपके मसल से कैटाबॉलिक भी जाती है, आपका मसल साइज गेन होगा, आपकी डिहाइड्रेशन भी होती है। इस वजह से आप वाटर इंटेक जरूर करें हर एक्सरसाइज के बाद। जब एक एक्सरसाइज के साथ सेट परफॉर्म करने को उसके बाद जरूर एक उसे पानी की जरूरत होती है जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपका एक अच्छा वर्कआउट होता है। तो चलिए सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो होती है आपको बना लिया ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सरसाइज। तो चलिए पोजिशन सबसे ज्यादा ध्यान रखना आपको ये नी जो आपकी एल्बो है वो आपको फ्रंट में रखनी है और पीछे की पोजिशन आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए जो आपको आपके शोल्डर तक की उसमें ज्यादा मूवमेंट पीछे और आप पूरा स्ट्रेस लेना लास्ट में और फिर भी इसे करना है और पूरा बॉडी फील देना है। इसमें जो मसल पार्ट आप करते हो पूरा फील देना है, मसल पार्ट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। बार बार ये चीज रिपीट करो तभी आपकी ट्राइसेप्स ग्रो होगी। ट्राइसेप्स का पोजीशन वर्कआउट करना पोजीशन बॉडी पार्ट सब में आप मसल पार्ट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका पहला वाला सेट है जो कि आपका है वार्म अप सेट। इसे हम बिल्कुल लाइट वेट यूज करना है और जितने मैक्सिमम रैप कर सके उतने निकालना है और सबसे ज्यादा आपका पोजीशन का ध्यान रखना है और जो आपकी यहां से लिस्ट है इसको फोल्ड मत करना है। इसको जब परफॉर्म करते हो एक्सरसाइज को ये स्ट्रेट रहना चाहिए आपको और लास्ट में पूरा स्ट्रेच करना है और फिर स्लोली पीछे जाना है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना इस एक्सरसाइज को। ये एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपको ट्राई एक्सरसाइज रूटीन करना है इसको जरूर ऐड करना अपने ट्राइसेप्स वर्कआउट में। वीडियो को खत्म करने लगता है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो इसको खत्म करते हैं आप बालों से आपको करना साइड साइड का जो भी वर्किंग साइड बना दे इसमें आपको वेट बढ़ाना है अपने आप बढ़ते हैं। तो मैं 5 kg वेट इंक्रीज कर देता हूँ और जैसे कि मैं बताया कि हर साइड के बीच में आपको 20-25 सेकंड का रेस्ट जरूर लेना है उसके बाद ही सेकंड साइड स्टार्ट करना है। और जो रेस्ट होगा आपको बैठना ही है, आप बॉडी फ्लैक्स कर सकते हो स्ट्रेच कर लो मतलब कुछ ना कुछ करते रहो लेकिन खाली बैठ रहे। तो चलिए सेकंड साइड स्टार्ट करते हैं सर और इसमें आपको वेट बढ़ाना है आपको वेट बढ़ा लेना 5 kg और रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इसमें से हर साइड के बीच में आपको 20-25 सेकंड का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एल्बो लॉक कर लो और इसको पूरा स्ट्रेच करो आपका
और धीरे धीरे रिलीज करो आप पूरा स्ट्रेच कर आपने, फिर धीरे धीरे इसमें आपको निकालना 15 ग्राम को निकालना है। 3, 4, 5, 6, 7 आप इस और कंट्रोल में होना चाहिए, जो भी वेट मारो आप उस पर आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए, नहीं आपको वेट कंट्रोल कर रहा हूँ, आपको वेट को कंट्रोल कर रहा है, ये बात याद रखना। 12, 13, 14, 15 तो यहाँ पर सेकंड वर्किंग सेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम वेट को इंक्रीज कर देते हैं थर्ड वर्किंग सेट के लिए, तो 5 kg और इंक्रीज कर देते हैं। बीच में स्ट्रेच करना मत भूलना, जो बार बार बोल रहे रिपीट करो नीचे, जो भी आपका रेस्ट पीरियड होता है उस एरिया में आप शांति से बैठ गए या कुछ नहीं कर रहे, उसमें मूवमेंट होना चाहिए आपको अपनी बॉडी की। रेस्ट मोड में नहीं बैठना, रेस्ट मोड में आप पोजिंग कर सकते हो, फ्लैक्स कर सकते हो बॉडी को, ताकि जो नेक्स्ट सेट परफॉर्म करोगे उसमें अच्छा रिजल्ट मिले आपको, अच्छी परफॉर्म करोगे। तो चलिए थर्ड सेट स्टार्ट करते हैं, इसमें हमने वेट बढ़ा दिया 5 kg और इसमें हम टारगेट करेंगे 12 ग्राम निकालेंगे। पोजीशन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो चलिए अपना थर्ड सेट कंप्लीट हो गया, अब फोर्थ सेट का फॉर्म करते हैं। इसमें भी हम 5 kg वेट और इंक्रीज कर रहे हैं। रैप आप चाहे कम कर सकते हो, सेट बाय सेट जैसा आप बढ़ना जाएगा उसका अकॉर्डिंग आप 2-3 रैप कम कर देना। तो चलिए फोर्थ सेट स्टार्ट करना हमको, तो चलिए फोर सेट स्टार्ट करते हैं। ओवर हेड क्यूबल एक्सटेंशन वापस आपको एयर वॉक करनी है और ये आपको बढ़ना है। पहले पोजीशन सेट करो अच्छे से, उसके बाद आपको एयर स्टार्ट करना है। वन टू थ्री
जब आप इस रोड को पकड़ो तो इसका ये ध्यान रखना जो आपको शोल्डर की चौड़ाई है उसी में आपको पकड़ने के लिए बैक का रोड को और फिर परफॉर्म करने आपको एक्सरसाइज पूरा स्ट्रेच करना था आपको देन स्लोली स्लोली रिलीज करना आपको फिर पूरा स्ट्रेच और फिर धीरे धीरे जाओ एल्बो आपको नो हो चाहिए ये बात याद रखना एल्बो मूवमेंट नहीं हो चाहिए एक्सरसाइज बिल्कुल भी और मसल माइंड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है सभी एक्सरसाइज मैं इस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा तो चलिए बहुत अच्छा है हम फिर आगे करते हैं आप हमारे वर्किंग सेट करते स्टार्ट तो इसमें हम वेट इंक्रीज कर देते हैं रैप कम कर देंगे जिस तरह वेट इंक्रीज होता जाएगा उस तरह रैप कम करते जाएंगे धीरे धीरे स्ट्रेच कर दो उधर बॉडी पार्ट का उसको स्ट्रेच करो तो चलिए सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं जो कि आपका होने वाला है वर्किंग सेट इसे हमने वेट इंक्रीज कर दिया पोजीशन पहले अच्छे से सेट करने को फिर स्टार्ट कर दो ये तीन रोड को लेके आप स्टार्ट करो इसकी खींचना आप वजन उठाने से पहले आपको कुछ देर ध्यान रखना है उसके बाद परफॉर्म करना है सर तो पहले ढंग से आप करो पकड़ लिया उसको पोजीशन बना लेंगे फिर आपको स्टार्ट करना है तो ये आपका सेकंड सेट कंप्लीट हो गया अब आपको करना है थर्ड सेट थोड़ा रेस्ट ले लीजिए और मैं वेट बढ़ा दूँ उसके साथ साथ रेस्ट भी मिला है तो 5 kg वेट इंक्रीज कर लेना थर्ड सेट के लिए तो चलिए थर्ड साइड स्टार्ट करते हैं हो गया जितना चाहिए था तो चलिए थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लिया करो बीच में फ्लेक्स कर लो या क्लोजिंग कर लिया करो बीच में जो आपका रेस्ट टाइम होता है उसमें खाली नहीं बैठना आपको वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एक केस में बट आपको टाइम के साथ पता चल रहा है स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा तो चलिए फोर्थ सेट स्टार्ट करते हैं तो फाइनल सेट को डाल दें एक्सरसाइज का और इसमें कोशिश करने में कर सकते हैं आठ है तो कोशिश करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छह तो चलिए अब फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि ट्राइसेप्स की है और लास्ट एक्सरसाइज होगी आपकी जो कि होने वाली है ऊपर है डंबल ट्राइसेप्स एक्सटेंशन तो चलिए ये 10 kg का डंबल है इसमें आपको पहले ढंग से पोजीशन बना लेनी है और उसके बाद आपको स्ट्रेट खड़ा होकर स्लो और कंट्रोल मूवमेंट लेनी है
फील कर रहे हैं आपको इसमें? तो ये फर्स्ट सेट है आपका जो कि आपका वार्म अप सेट है, और उसके बाद आप तीन सेट मार सकते हो सीटेड में, बस बैठ के मारनी है एक्सरसाइज को, मतलब बस बैठना उसमें, ताकि आपकी पूरी अपर बॉडी ही इंक्लूड हो उस एक्सरसाइज में। इसमें थोड़ा सा सपोर्ट आपको लेग्स उनका भी मिल रहा है, तो बैठ के मारोगे उसमें उसमें अपर बॉडी इंक्लूड ही होगी और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपके ट्राइसेप्स में। तो चलिए कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, आई मीन फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज का। अब जो तीन वर्किंग सेट है वो आपको बैठ के करने बेंच पे, ताकि आपका उस बॉडी पार्ट पर एक अच्छा इफेक्ट आ पाए और वो पूरी मसल इंक्लूड हो पाए अच्छे से। तो चलिए सेकंड सेट इसका स्टार्ट करते हैं, जो कि आप करेंगे बैठ के परफॉर्म। तो पहले आपको स्ट्रेट बैठ जाना, उसके बाद आपको डंबल लेना है ओवरहेड, और आपको एक्सटेंशन करनी है डंबल की स्लो स्लो, स्लो और कंट्रोल होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए आपको मसल पे कौन सा बॉडी पार्ट कर रहे हो। तो ये आपका सेकंड सेट है जो कि आपका वर्किंग सेट है। तो चलिए एक बात जरूर ध्यान रखना, जब भी आप वर्कआउट परफॉर्म करो तो उसमें आपको सबसे पहले ट्राइसेप्स का वर्कआउट करना है, बाइसेप्स करके फिर ट्राइसेप्स को मारना, उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब भी आपको आर्म वर्कआउट करना है कंप्लीट, तो सबसे पहले आपको ट्राइसेप्स का वर्कआउट करना है, उसके बाद आपको बाइसेप्स का वर्कआउट करना है, ताकि एक अच्छा इफेक्ट आ पाए आपकी बाइसेप्स को, क्योंकि आप ट्राइसेप्स के पहले बाइसेप्स करोगे तो आपका जो बाइसेप्स जो पंप है वो सारा चला जाएगा, क्योंकि आप बाद में ट्राइसेप्स परफॉर्म करोगे तो ट्राइसेप्स का 70% बॉडी पार्ट है जो आर्म्स का है और 30% आपके बाइसेप्स का। तो इसलिए पहले आपको ट्राइसेप्स परफॉर्म करनी है, फिर उसके बाद आप बाइसेप्स पर फोकस करना। तो चलिए आपके दो सेट कंप्लीट हो गए थे, अब थर्ड सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए आपका थर्ड सेट कंप्लीट हो गया, आप लास्ट एंड फाइनल सेट करते हैं एक्सरसाइज का, उसके बाद हम करेंगे अपर बॉडी की दूसरा पार्ट करेंगे जो कि आपको करना है चेस्ट। तो चेस्ट को स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेट परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम चेस्ट पर शुरू करेंगे जो कि काफी अट्रैक्टिव पार्ट है आपके अपर बॉडी को दिखाने में, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए लास्ट टाइम कर लेते हैं ना कुछ देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट लास्ट एंड फाइनल सेट एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5 इसमें चेस्ट अपवर्ड रखनी है आपको और बैक सीधी होनी चाहिए आपकी स्ट्रेट बिल्कुल, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो चलिए आपका ट्राइसेप्स का कंप्लीट वर्कआउट हो चुका है जो कि एक आपका होम वर्कआउट है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि आपके अपर बॉडी के लिए जो है आपका चेस्ट पोजीशन। तो चेस्ट वर्कआउट करेंगे हम, और उसी जो फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे वो है आपकी बैक है जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं। तो चलिए वो हम सेट स्टार्ट करते हैं उसका, आप अपना बॉडी बैक वेट कर रहा है उसमें, और जो और मैक्सिमम और उसके बाद तीन साइड और वर्किंग साइड होते हैं आपके, टोटल आपको एक्सरसाइज के चार सेट परफॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं, इस एक्सरसाइज को बटरफ्लाई भी बोलते हैं, बैक लेग बोलते हैं, काफी नाम है एक्सरसाइज के, तो कंफ्यूजन मत होना इस चीज को लेकर। तो चलिए पहले पोजिशन सेट करो, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी,
चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट आप स्लो और कंट्रोल होनी चाहिए, जितना हो सके उतना टाइम निकालो फर्स्ट वार्म सेट में आप, और जब वर्किंग सेट होगा तो आपको वेट बढ़ाते जाना है धीरे धीरे हर सेट में, और रैप्स कम करते जाना धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग। प्रॉपर फील हो बॉडी पे, जो जो से बॉडी पार्ट परफॉर्म कर रहा उसे प्रॉपर फील होना चाहिए आपको, और हर मोमेंट स्लो होना चाहिए आपको बिल्कुल। चलिए फर्स्ट सेट जो आपको वॉर्म सेट था कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड सेट करेंगे जो वर्किंग सेट होने वाला है, तो उसमें हम वेट इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमने वेट इंक्रीज कर दिया, तो वापस से पोजीशन को ले लेते हैं। तो चलिए सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं सर। मूवमेंट आप स्लो होने चाहिए, ये बात याद रखना। तो हमारा थर्ड सेट हो गया कंप्लीट, अब हम करेंगे फोर्थ सेट। तो हम वेट इंक्रीज कर देते हैं इसमें, तो 5 kg वेट इंक्रीज कर दिया हमने, और ये आपका लास्ट फाइनल सेट है बैक का। जो आपका रेस्ट टाइम होगा उसमें आप फ्लेक्स करना, जैसे बार बार रिपीट करता आराम से फर्स्ट
एक्सरसाइज है कि आप खाली नहीं बैठ रहे रेस्ट में, पोजिंग करो, चाहे आप फ्लेक्स करो, चाहे स्ट्रेच करो, कुछ ना कुछ करते रहो ताकि आप नेक्स्ट सेट के लिए रेडी हो जाए आप। तो चलिए लास्ट के फाइनल सेट के लिए स्टार्ट करते हैं। पोजिशन ले लिया हमने, बैक स्ट्रेट है और चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 यानी एक्सरसाइज आपको और अच्छे स्टेप में होगी। 13, 14, 15 तो चलिए अपनी बैक डेक जो एक्सरसाइज की उसके चार सेट कंप्लीट हो गए। हम करेंगे सेकंड चेस्ट की एक्सरसाइज स्टार्ट। तो चलिए चेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि आपको मशीन से वो है आपकी चेस्ट प्रेस। तो चलिए इसका फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। वेट आप लगाना लाइट की जैसे कि मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि आप फर्स्ट सेट और बॉडी सेट को जो लाइट वेट यूज करना है। तो चलिए पहले पोजीशन रख लेते सही से, बैक स्ट्रेट रहनी है हमेशा की तरह, इसको होल्ड करना है और आपको चेस्ट प्रेस परफॉर्म करनी है। तो ये वार्म अप सेट है। फर्स्ट सेट आपका कंप्लीट हो गया वो सेट। अब आपको करना वर्किंग सेट से स्टार्ट, इसमें आप वेट बढ़ा लेना अपने अकॉर्डिंग, वेट बढ़ा लेना जितना बढ़ाना, सेट बाय सेट वेट बढ़ता जाए धीरे धीरे और रैप आपकी डिक्रीज होते जाए जैसे आपका सेट वेट बढ़ेगा। तो चलिए मैं आपको जल्दी करके बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बना कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जल्दी से आपको बता दो, ये है सेकंड सेट आपका वर्किंग सेट। वेट हमने 5 kg इंक्रीज कर दिया। लास्ट में आपको रॉक करनी है, जब आप चेस्ट को प्रेस करोगे लास्ट में आपको प्रॉपर फील लेना है आपको चेस्ट के मिडल में, जो आपके चेस्ट के मिडल पोर्शन है फील लेना है और पूरा अच्छे से कॉन्टैक्ट करना है आपको चेस्ट से। यह आपकी मेजर चेस्ट के एरिया की एक्सरसाइज। आपका सेकंड सेट कंप्लीट हो गया, अब आपको करना है थर्ड सेट। तो इस थर्ड सेट और फोर्थ सेट को करेंगे दूसरे वेरिएशन, थोड़ा सा इसका नेक्स्ट लेवल इंक्रीज कर देंगे जिससे ज्यादा मसल पर स्ट्रेच है और आपको एक अच्छा लेवल मिल पाए चेस्ट पर। तो वेट को इंक्रीज कर लेते हैं, तो 5 kg इंक्रीज हो जाते हैं और थर्ड सेट को स्टार्ट करने से बता देता हूं। इसमें करना है आपको, इसमें आपकी अपर बॉडी को थोड़ा सा आगे रखना है फ्रंट में, ठीक इस तरह, ताकि आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आपका आगे जाएंगे आप आर्म्स को करेंगे, फिर पीछे जाएंगे तो आपको पूरा स्ट्रेच मिलेगा आपको इस चेस्ट पोर्शन में।
और आपका साइड चेस्ट फैट रिमूव करने में काफी हेल्पफुल है एक्सरसाइज, तो इसको अपने चेस्ट वर्कआउट में जरूर ऐड करना, 100% रिजल्ट मिलेंगे इससे आपको। तो चलिए फर्स्ट इसका सेट स्टार्ट करते हैं। वन ऐसे पूरा पीछे तक जा रहे हैं आपको, इसलिए ज्यादा इफेक्ट है, उसको नेक्स्ट लेवल है आपको, एडवांस लेवल। सेकंड, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, हर रैप को फील करना आपको सेक्शन में। सेवन, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, मूवमेंट आपको स्लो और कंट्रोल होनी चाहिए जैसे कि उसको बताता हूं। एट, नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व। तो ये आपका थर्ड सेट कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट सेट कर लेते हैं इसका, पैक लेग का। तो अब हम जो चेस्ट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें क्या करेंगे, जो थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज है उन दोनों को कंबाइन करेंगे और हम बनाएंगे उसको सुपर सेट, ताकि ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट पड़ सके अपने चेस्ट पर। तो जो एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे उसमें हम करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस और उसके बाद ऑल्टरनेटिंग में करेंगे हम डबल फ्लाई। मतलब आपका जो पहला सेट होगा वो आपका चेस्ट प्रेस होगा, सेकंड सेट जो सेट होगा वो होगा आपका डबल फ्लाई से। तो ठीक इसी तरह आप रिपीट करके चार सेट करने हैं दोनों एक्सरसाइज से। तो यहाँ पे एक सुपर सेट हो जाएगा और इसको आपको एक अच्छा इफेक्ट मिलेगा इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से। तो आपको ऑल्टरनेटिंग बनाना है, तो सबसे पहले हम करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस, वेट लेना अपना बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इससे मूवमेंट जो होगी आपको स्लो होगी जैसे कि आप शुरू से करते हो अगर एक्सरसाइज, और कंट्रोल होनी चाहिए। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। तो ये आपका जो चेस्ट प्रेस है ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक इसी के बाद आप डंबल फ्लाई परफॉर्म, जितना जल्दी हो सके आप डंबल फ्लाई करके परफॉर्म। तो चलिए डंबल फ्लाई को स्टार्ट करते हैं। पहले पोजीशन सेट कर लें अच्छे से, देन स्टार्ट करें। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन और ये ट्वेल्व। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक सेट है, दो चेस्ट एक्सरसाइज कंबाइन करके एक सेट बना जो कि सुपर सेट है। तो इस तरह आपको चार सेट परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए बीच बीच में आपको पानी की इंटेक जरूर करनी है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है उसको। ज्यादा पानी नहीं पीना, नॉर्मल बस एक दो सिप पीनी आपको। और आपको रेस्ट ले लिया हमने जितना चाहिए था, तो वापस से परफॉर्म करते हैं अपनी एक्सरसाइज को और करेंगे इसमें वापस से फ्लैट बेंच प्रेस। देन उसके जस्ट बाद हम करते हैं डबल फ्लाई परफॉर्म, उसके बाद जब दोनों एक्सरसाइज होते हैं उसके बाद आपको रेस्ट लेना है ताकि आपका एक सेट कंप्लीट हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन और ट्वेल्व। तो यहाँ पे आपको होगी फ्लैट डंबल्स और जस्ट इसके बाद ही आपको डंबल फ्लाई भी स्टार्ट कर दी है, ज्यादा रेस्ट नहीं होनी चाहिए बीच में। इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा अपनी चेस्ट पर।
तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और यहाँ पर लास्ट 12। तो चलिए दो साइड आपके कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह आपको लास्ट की जो थर्ड और फोर्थ सेट वो परफॉर्म करना। तो ये चेस्ट का जो सेकंड एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट होगी चेस्ट वर्कआउट। तो चलिए अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो है आपकी शोल्डर की, शोल्डर वर्कआउट करेंगे। तो जो मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला हूँ तो इसको आप जरूर ऐड करें, इससे आपका ना सिर्फ आपके शोल्डर पर बाकी बल्कि आपका जो फ्रंट का जो पार्ट है या चेस्ट पोर्शन इसको अच्छा इंप्रूव करेगा और जो बैली फैट है उसको आपको हटा देगा, रिमूव करने में हेल्प करेगा ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज। तो इसको जरूर ऐड करना अपने वर्कआउट में, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए इसका जो फर्स्ट सेट है आपको वार्म अप सेट है, वेट लाइट ले लेना और जितना हो सके उतना रैप निकाल लेना, आपको पोजिशन बना लेना, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको जो मिडल पोर्शन है इस रॉड का वो आपको नेक के सेंटर में टच करना है, हल्का जब समझ लेना आपको पोजिशन परफेक्ट आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 इसका इस वाली एक्सरसाइज से आपको फ्रंट भी डेवलप होगा, आपका शोल्डर भी डेवलप होगा, थोड़ा सा आपका बैक में भी इफेक्ट पड़ेगा इससे। तो ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी अपर बॉडी के लिए। तो इसको जरूर ऐड करना जब भी आपको अपर बॉडी वर्कआउट करना है, तो अगर आपके ब्रॉडनेस चाहते हो अपर बॉडी में तो ये काफ़ी हेल्पफुल, आपकी फिटनेस भी इम्प्रूव करेगी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं बॉडी में स्पेशली मेल्स में। तो इसमें आपको मैक्स टू मैक्स रैप निकालने जितना हो सकता है पॉसिबल, इसके बाद हम वेट इंक्रीज कर देंगे ग्रेजुअली, उसके बाद हम करते जाएंगे परफॉर्म। जो ये बता रहा हूँ अपर बॉडी का पूरा वर्कआउट आज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आप इसको वन मंथ फॉलो करके देखना ना अपर बॉडी इंप्रूव कर जाए बहुत ज़्यादा, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले इस वाले वर्कआउट से गारंटी है। तो एक बार इसको अप्लाई जरूर करना, इंक्लूड करना इस वर्कआउट को जरूर अपने वर्कआउट प्लान में। प्रॉपर फील लेना जब आप कॉन्ट्रैक्ट करो सकते हो, प्रॉपर फील लेना। तो चलिए आपका फर्स्ट वार्म सेट कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे सेकंड वर्किंग सेट। तो वेट इंक्रीज करो क्या बोले, और अब आपको रैप निकालने हैं, माइंड सेट करो कि आपको 15 टू 20 रैप्स निकालने हैं आपको सेकंड वर्किंग सेट। तो चलिए पोजिशन ले लो अपनी, बैक स्ट्रेट और ये स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हर रैप को फील करना है आपको 18, 19, 20। तो ये सेकंड सेट आपका कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे सर थर्ड सेट। वेट आपको वापस से इंक्रीज करना है तो 5 kg ओवर इंक्रीज कर देते हैं और ये आपका थर्ड वर्किंग सेट स्टार्ट करते हैं। बट आप ये याद रखना आपको हर सेट के बाद 15 से 20 मिनट का एटलीस्ट रेस्ट लेना, मैं आपको वीडियो के लेंथी ना हो जाता इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, बट आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है हर चेस्ट के सेट के बाद, इवन कोई बॉडी पार्ट कर लो हर सेट के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये जो तो है आपका थर्ड सेट कंप्लीट हो गया। फोर्थ सेट पे करने का जो कि फाइनल सेट है इस एक्सरसाइज का, इसमें भी हमको वेट इंक्रीज करना है, आपको हर सेट के बाद रेस्ट जरूर लेना है, ये बात याद रखना। तो चलिए आपको फाइनल सेट है इस एक्सरसाइज का, 1
2, 3, 4 बैक स्ट्रेट आनी चाहिए इसमें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं शोल्डर की, और जो कि हम परफॉर्म करेंगे अपने शोल्डर प्रेस, जो कि हम डंबल से करेंगे डंबल प्रेस बोलते हैं। तो पहले पोजीशन अपनी स्ट्रेट कर लो, हर चीज पोजीशन पे ध्यान दो पहले सबसे ज्यादा। तो ये आपको डबल प्रेस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना लाना पोजिशन परपेंडिकुलर रहना चाहिए, 12, 13, 14, 15। तो आपको करना क्या है, इस तरह से आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं। आगे मैं शॉर्ट में बता रहा था, आगे वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने, बोरिंग ना लगे। तो आपको इस एक्सरसाइज 4 सेट और परफॉर्म करने, मतलब टोटल आपको 4 सेट करने, एक सेट करके मैंने बता दिया, इस तरह आपको रिपीट करना आगे 3 सेट और। तो चलिए आप ये सेकंड एक्सरसाइज होगी शोल्डर के लिए, अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर की। अब जो थर्ड एक्सरसाइज करेंगे हम शोल्डर की, उसमें क्या करना है आपको, ये वाली एक्सरसाइज आपके इस वाले पार्ट को इंप्रूव करने के लिए, यहाँ से आपकी सेपरेशन करेंगे एक अच्छा, या शोल्डर का यहाँ पोर्शन है इसमें एक अच्छा सेपरेशन आएगा इस वाली एक्सरसाइज की हेल्प से। तो चलिए वेट अपने अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। तो इसमें पोजिशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना आपको, एक्सरसाइज में एक पोजिशन ले लेना कैसे, तो ठीक उसी पोजीशन में आपको परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, और इसको जो आपको पकड़ना है आपको अपने शोल्डर की चौड़ाई से उतनी ज्यादा चौड़ाई से पकड़ना है एक्सरसाइज। तो ये परफॉर्म कैसे करना है दिखा देता हूँ, पहले स्ट्रेट बैक और ये अपवर्ड चेस्ट, पीछे के शोल्डर लॉक होनी चाहिए ये, तो इस तरह ये वाली एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको 4 सेट कंप्लीट करने, एक सेट मैंने करके बता दिया, तो इसी तरह आपको रिपीट करने और अपने अकॉर्डिंग सेट जैसे इंक्रीज होता जाएगा उसी तरह आपको वेट इंक्रीज करते जाना। तो चलिए आपकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं शोल्डर की, और जो लास्ट एक्सरसाइज आप करोगे शोल्डर के लिए वो स्पेशली है डेड जॉइंट्स के लिए, अपने डेड्स इंप्रूव करने के लिए। तो इसमें आपको वेट ले लेना अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए, इसमें आप मैक्सिमम वेट मार सकते हो वैसे एक्सरसाइज में। तो इसमें क्या करना है आपको, चेस्ट अपवर्ड होनी चाहिए, थोड़े से शोल्डर बैक में लॉक कर लिया, और ये पोजीशन होनी चाहिए आपको, 1, 2, 3। यह एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बैक लॉक के लिए, या जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह परफॉर्म करना आपको, चेस्ट और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फील हो जाएगा खुद उस बॉडी पार्ट बैक लॉक से कि सच में कितनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। कई लोग इसको ऐसे परफॉर्म करते हैं, ये भी सही है बट उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो आपको लॉक करनी है चेस्ट अपर, थोड़ा सा बैक लेके लॉक, और ये चीज करना आपको। तो इस एक्सरसाइज को अगर परफॉर्म कर लोगे तो आपको उसी दिन फील हो जाएगा कितना फर्क होगा, ये हेल्पफुल है आपके डेड जॉइंट्स को ब्रॉड कर रहे हैं बॉडी को, अपर बॉडी को। तो चलिए इस वर्कआउट करते हैं खत्म। तो जो अपन बॉडी को इम्प्रूव करने के लास्ट एक्सरसाइज हमारे को है आपकी बाइसेप्स।
तो हम लास्ट एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। तो 22 दिन में आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज करोगे वो आपको ये हैमर करना, जो कि आपकी फ्रेंथ बढ़ाएगी बाइसेप्स की, ये आपके मोशन ब्रॉड करेगी आपका। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं और इसके कई रूल्स हैं इस वाले एक्सरसाइज परफॉर्म करने के, तो मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले आपने डंबल ले लिए, पोजिशन सेट कर लेनी। तो इसमें क्या करना है आपको, पहला जो रैप होगा उसको ये कर आपने प्रॉपर एल्बो लॉक हो जाए आपकी, और जब नीचे का आपको धीरे धीरे लाना और पूरा रेस्ट भी निकालना, इतना रखना आपको थोड़ा सा आगे ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट रहे, और फिर आपको दूसरा रैप दूसरे नंबर से स्टार्ट कर देना। तो ठीक इसी तरह आपको परफॉर्म कर दिया एक्सरसाइज। तो इस तरह आपको हैमर करके चार सेट करने हैं, मैंने एक सेट करके बता दिया, इसी तरह आपको आगे के तीन सेट और परफॉर्म करने। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज बाइसेप्स की कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज बाइसेप्स की, जो कि होने वाली है आपकी कंसंट्रेशन कर। तो इसमें आपको लेना लाइट वेट, तो मैं एक लाइट वेट ले लेता हूँ। तो आपको सीटेड कंसंट्रेशन कर करनी है, आपको पहले बेंच पे बैठ जाना, उसके बाद जो वेट है आपका ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये आपको अपनी थाई पे ऐसे लगा देना, और इस हाथ को आपको रखना है अपने दूसरे नी पे, बट उससे सपोर्ट नहीं देना आपको, बस जस्ट वैसे। और आपको स्लो और कंट्रोल पोजिशन करनी है, इसमें हर रैप को फील करना है, आपका कंसंट्रेशन पूरा पीक पर होना चाहिए, जब भी आपका पीक लेवल बढ़ेगा और ये अपनी जो बाइसेप्स की पीक है उसको इंप्रूव कर दिया। एक्सरसाइज सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए रैप स्टार्ट करते हैं इसकी। वन, स्लो स्लो नहीं चले जाना आपको, देन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। तो ठीक इसी तरह दूसरे हाथ से आपको यही करना परफॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन, टू, जो मूवमेंट होगी मसल्स की वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन और ट्वेल्व। तो ठीक इसी तरह आपको चार सेट परफॉर्म करने से, जैसे मैंने फर्स्ट सेट कंप्लीट करके बता दिया आपको, तो आगे के तीन सेट में इसी तरह आपको फॉलो करना है। तो चलिए दो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी इसकी बाइसेप्स वर्कआउट की। अब हमारे दो एक्सरसाइज और बच रही है, चलिए बाइसेप्स की वर्कआउट जो थर्ड एक्सरसाइज करेंगे वो है आपकी इजी वाला यूज करेंगे, और इसमें आपको करनी है बाइसेप्स कर्ल। वेट हमने लेकर लाई, तो इसमें पोजिशन पहले सही कर लेना, स्ट्रेट हो और आपकी चेस्ट अपवर्ड होनी चाहिए, बैक शुड बी स्ट्रेट, पूरा प्रॉपर फील लेना आपको मसल्स पर। इसमें आपको स्ट्रेट बार यूज नहीं करनी, इसमें आपको इजी बार यूज करनी है, इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी बाइसेप्स पीक पर। यह आपकी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स पीक को इंक्रीज करने के लिए। धीरे धीरे रिलीज करना आपको नीचे, और स्लो और कंट्रोल मूवमेंट होनी चाहिए आपको। तो जैसे ही आपका फर्स्ट सेट कंप्लीट होगा, इसके बाद आपको रेस्ट लेना, आपको क्या करना है,
थोड़ी सी पोजीशन चेंज करनी है आपको, इसमें आपको मान लो 180 कर लेना एक्सरसाइज में, तो इसमें क्या करना है आपको, इसका अपोजिट ऊपर उठाना है, या आपको करो तो बेस्ट एक्सरसाइज है आपको साइज इंक्रीज करना है बाइसेप्स का, तो इसके बाद जस्ट बार आपको परफॉर्म करनी है 3 4 एल्बो आपकी लॉक होनी चाहिए, उन्हीं मूवमेंट में होनी चाहिए, तो ये आपका एक सेट कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने दो एक्सरसाइज कंबाइन करी, जो कि आपने पहली थी बार रखकर और सेकंड थी आपने प्रोनेटेड कर, तो इसी तरह आपको एक सेट कंप्लीट हो गया। इस तरह आपको चार सेट परफॉर्म करने, हर सेट के बाद आपको 15 से 20 मिनट साइड का रेस्ट लेना है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं खत्म, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज की वीडियो में पूरा अपर बॉडी का वर्कआउट बताया आपको, तो इसको एक बार आप ट्राई करना, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके अपर बॉडी के लिए जो है आपका चेस्ट पोर्शन, तो चेस्ट वर्कआउट करेंगे हम, और उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे वो है आपकी बैक डेक जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं। तो चलिए वो हम सेट स्टार्ट करते हैं उसका, आप अपना जो बैक वेट करा लेंगे उसमें, और जो सेट आपको नाइट के यूज करना और मैक्सिमम रेप की मारना, और उसके बाद तीन सेट और बॉडी सेट होते हैं आपके, टोटल आपको करना एक्सरसाइज के चार सेट परफॉर्म करने। तो फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं, इस एक्सरसाइज को बटरफ्लाई बोलते हैं, बैक डेक बोलते हैं, काफी नाम है एक्सरसाइज के, तो कंफ्यूजन मत होना इसको लेकर। तो चलिए पहले पोजीशन सेट करो, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट आप स्लो और कंट्रोल होनी चाहिए, जितना हो सके उतना निकालो फर्स्ट होम सेट में आप, और जब वर्किंग सेट होगा तो आपको वेट बढ़ाते जाना है धीरे धीरे हर सेट में, और रैप्स कम करते जाना धीरे उसी के अकॉर्डिंग। प्रॉपर फील लो बॉडी पे, जो जो बॉडी पार्ट परफॉर्म कर रहा उसे प्रॉपर फील होना चाहिए आपको, और हर मोमेंट स्लो होनी चाहिए आपको बिल्कुल। चलिए फर्स्ट सेट जो आपको वॉर्म सेट था वो कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड सेट करेंगे जो वर्किंग सेट होने वाला है, तो उसमें आप वेट इंक्रीज कर देते थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमने वेट इंक्रीज कर दिया, तो वापस से पोजीशन को ले लेते हैं, तो चलिए सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं। थर्ड सेट स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन चेंज कर देंगे,
ताकि चेस्ट पे एक अच्छा इफेक्ट आ सके, क्योंकि वो मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है, मैक्सिमम लोड लेना है उस बॉडी पार्ट पे उसको परफॉर्म कर रहा है। तो थर्ड सेट दो रेप स्टार्ट करते हैं, अपने कंधे पे इंक्रीज फाइव की जोर और इसमें थोड़ी सी वेरिएशन चेंज कर देंगे ताकि एक अच्छा पंप आ पाए चेस्ट पे और एक बॉडी पर एक अच्छा इफेक्ट आ पाए। इसमें क्या करना आपको चाहिए, इसमें यहाँ पे ये रख दिया आपने, अपना फोर आर्म्स फिक्स कर लिया, इसमें ब्लैक जो मोशन दे रखा था और यहाँ से आपने होल्ड कर लिया, चेस्ट अपन रखनी, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए आपकी। तो चलिए स्टार्ट करें, इसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करना, इसको प्रॉपर फील देना आपको, स्लो करना चाहिए, देन रिलीज इट, कॉन्ट्रैक्ट देन रिलीज। आपको टारगेट रखना है 15 रैप्स का एटलीस्ट। तो दो सेट हमने मारे दूसरे वेरिएशन में, दो सेट मारेंगे दूसरे वाले वेरिएशन में ताकि अच्छा इफेक्ट आ पाए हमारे चेस्ट पर और अच्छे से ग्रो कर पाए हमारे चेस्ट। मूवमेंट आपकी स्लो होनी चाहिए, ये बात याद रखना। तो हमारा थर्ड सेट हो गया कंप्लीट, अब हम करेंगे फोर्थ सेट। तो हम वेट इंक्रीज कर देते हैं इसमें, तो 5 kg वेट इंक्रीज कर दिया हमने और ये आपका लास्ट फाइनल सेट है बैक का। जो आपका रेस्ट टाइम होता है आप फ्लेक्स करना, जैसे बार बार रिपीट करता आराम से, मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज है कि आप खाली नहीं बैठे रेस्ट टाइम में, पोजिंग करो, चाहे आप फ्लेक्स करो, चाहे स्ट्रेच करो, बट कुछ ना कुछ करते रहो ताकि आप नेक्स्ट सेट के लिए रेडी हो जाए आपको मसल। तो चलिए लास्ट के फाइनल सेट के लिए स्टार्ट करते हैं। पोजिशन ले लिया हमने, बैक स्ट्रेट है और चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी एक्सरसाइज आपको और अच्छे से डेवलप होगी। 13, 14, 15 तो चलिए अपनी बैक डेक जो एक्सरसाइज थी उसके चारों सेट कंप्लीट हो गए, अब हम करेंगे सेकंड चेस्ट की एक्सरसाइज स्टार्ट। तो चलिए चेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको मशीन से वो है आपकी चेस्ट प्रेस। तो चलिए इसका फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। वेट आप लगाना लाइट, जैसे कि मैंने शुरुआत में बता रहा था कि आप फर्स्ट सेट और फोर्थ सेट को जो लाइट वेट यूज करना है। तो चलिए पहले पोजिशन रख लेते सही से, बैक स्ट्रेट रहेंगे हमेशा की तरह, इसको होल्ड करना है और आपको चेस्ट प्रेस परफॉर्म करनी है। तो ये फोर्थ सेट है, तो फर्स्ट सेट आपका कंप्लीट हो गया फोर्थ सेट। अब आपको करना वर्किंग सेट है स्टार्ट, इसमें आप वेट बढ़ा लो अपने अकॉर्डिंग, वेट बढ़ाना, सेट बाय सेट वेट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे।
रैप आपकी डिक्रीज होते जाएगी जैसा आपका सैम वेट बढ़ेगा। तो चलिए मैं आपको जल्दी करके बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बनाना कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जल्दी से आपको बता दो, तो ये है सेकंड सेट आपका वर्किंग सेट, वेट हमने 5 kg इंक्रीज कर दिया है। लास्ट में आपको रॉक करनी है, जब आप चेस्ट को प्रेस करोगे लास्ट में आपको प्रॉपर फील लेना है चेस्ट के मिडल में, जो आपके चेस्ट के मिडल मोशन है फील लेना है, और पूरा अच्छे से कॉन्टैक्ट करना है आपको चेस्ट से। ये आपकी मेजर चेस्ट की एरिया की एक्सरसाइज, आपका सेकंड सेट कंप्लीट हो गया। अब आपको करना है थर्ड सेट, तो इस थर्ड सेट और फोर्थ सेट को करेंगे दूसरे वेरिएशन, थोड़ा सा इसका नेक्स्ट लेवल इंक्रीज कर देंगे जिससे ज्यादा मसल पर स्ट्रेच है और आपको एक अच्छा लेवल मिल पाए चेस्ट पर। तो वेट को इंक्रीज कर लेते हैं, तो 5 kg इंक्रीज हो कर रहे हैं और थर्ड सेट को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं इसमें करना क्या आपको, इसमें आपकी अपर बॉडी को थोड़ा सा आगे रखना है फ्रंट में, ठीक है, इस तरह ताकि आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आपका आगे जाएंगे आप आर्म्स वगैरह पीछे जाएंगे तो आपको पूरा स्ट्रेच मिलेगा आपको इस चेस्ट पोर्शन में, और आपका साइड चेस्ट पैड मूव करने में काफी हेल्प करेगा एक्सरसाइज। तो इसको अपने चेस्ट वर्कआउट में जरूर ऐड करना, 100% रिजल्ट मिलेंगे इससे आपको। तो चलिए फर्स्ट इसका सेट स्टार्ट करते हैं। 1 ऐसे पूरा पीछे तक जा रहे हैं आपको, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव उसको नेक्स्ट लेवल है आपको एडवांस लेवल। सेकेंड 3, 4, 5, 6 हर रैप को फील करना आपको इस एक्सरसाइज में। 7 कोई जल्दबाजी नहीं करनी, मूवमेंट आपको स्लो कंट्रोल होनी चाहिए जैसे कि उसको बताते हैं। 8, 9, 10, 11 and 12 तो यहाँ पर थर्ड सेट कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट सेट कर लेते हैं इसका पैक लेग का। तो अब हम जो चेस्ट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसको क्या करेंगे, जो थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज है उन दोनों को कंबाइन करेंगे और हम बनाएंगे उसको सुपर सेट, ताकि साथ साथ इफेक्ट पड़ सके अपने चेस्ट पर। तो जो एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे उसमें हम करेंगे फ्लैट बैक प्रेस और उसके बाद ऑल्टरनेटिव में करेंगे हम डबल फ्लाई, मतलब आपका जो पहला सेट होगा वो आपका चेस्ट प्रेस होगा, सेकंड सेट जो दो सेट होगा वो होगा आपका डबल फ्लाई से। तो ठीक इसी तरह आप रिपीट करके 4 सेट करने हैं दोनों एक्सरसाइज से, तो यहाँ पे एक सुपर सेट हो जाएगा और इसको आपको एक अच्छा इफेक्ट मिलेगा इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से। तो आपको ऑल्टरनेटिव में करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस, वेट लेना अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करना इसको, इससे मूवमेंट जो होगी आपको स्लो होगी जैसे कि आप शुरू से करते हो हर एक्सरसाइज में, और कंट्रोल होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ये आपका जो चेस्ट प्रेस की ये हो गया आपकी कंप्लीट। ठीक इसी के जस्ट बाद आप करना डबल फ्लाई परफॉर्म, जितना जल्दी हो सके आप डबल फ्लाई करके परफॉर्म। तो चलिए डबल फ्लाई को स्टार्ट करते हैं। पहले पोजीशन सेट कर लें अच्छे से, देन स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6
सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ये ट्वेल्व। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और ये एक सेट है, दो चेस्ट एक्सरसाइज कंबाइन करके एक सेट बना है जो कि सुपर सेट है। तो इस तरह आपको चार सेट परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए बीच बीच में आपको पानी पीने की जरूरत है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है मसल्स को। ज्यादा पानी नहीं पीना, नॉर्मल बस एक दो सिप पीने आपको, और आपको रेस्ट ले लिया जितना चाहिए था। तो वापस से परफॉर्म करते हैं अपनी एक्सरसाइज को और करेंगे इसमें वापस से फ्लैट बेंच प्रेस, देन उसके जस्ट बाद हम करेंगे थर्मल फ्लाई परफॉर्म। उसके बाद जब दोनों एक्सरसाइज होते हैं उसके बाद आपको रेस्ट लेना जब तक आपका एक सेट कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व। तो यह भी आपको होगी फ्लैट डंबल, और जस्ट इसके बाद ही आपको डंबल फ्लाई पर स्टार्ट कर देनी है। ज्यादा रेस्ट नहीं होनी चाहिए बीच में, इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा अपनी चेस्ट पर। तो चलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन और यहाँ पर लास्ट ट्वेल्व। तो चलिए दो साइड आपके कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह आपको लास्ट की जरूरत थर्ड और फोर्थ सेट फोन परफॉर्म करना। तो ये चेस्ट का जो सेकंड एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट होगी चेस्ट वर्कआउट। तो चलिए हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो है आपकी शोल्डर की, शोल्डर वर्कआउट करेंगे। तो जो मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला हूँ तो इसको आप जरूर ऐड करें, इससे आपका ना सिर्फ आपके शोल्डर पर बाकी बल्कि आपका जो फ्रंट का जो पार्ट है या चेस्ट पोर्शन इसको अच्छा इंप्रूव करेगा, और जो बैली फैट है उसको आपको हटा देगा, रिमूव करने में हेल्प करेगा ज्यादा आपकी एक्सरसाइज। तो इसको जरूर ऐड करना अपने वर्कआउट में, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए इसका जो फर्स्ट सेट है आपको वार्म अप सेट है, वेट लाइट ले लेना और जितना हो सके उतना रैप निकाल लेना, आपको पोजिशन बना लेना, बैंक लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको जो मिडल पोर्शन है इस रॉड का वो आपको नेक के सेंटर में टच करना है, हुआ जब समझ लेना तो पोजिशन परफेक्ट आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन इसका इस वाली एक्सरसाइज से आपको फ्रंट भी डेवलप होगा, आपका शोल्डर भी इंक्लूड होगा, थोड़ा सा आपका बैक में भी इफेक्ट पड़ेगा इससे। तो ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी अपर बॉडी के लिए, तो इसको जरूर ऐड करना जब भी आपको अपर बॉडी वर्कआउट करना है। तो अगर आपके ब्रॉडनेस चाहते हो अपर बॉडी में तो ये काफ़ी हेल्पफुल, आपके फिजिक्स भी इम्प्रूव करेगी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं बॉडी में स्पेशली मेल्स में। तो इसमें आपको मैक्स टू मैक्स रैप निकालने जितना हो सकता है पॉसिबल, इसके बाद हम वेट इंक्रीज कर देंगे ग्रेजुअली, उसके बाद हम करते जाएंगे परफॉर्म। जो मैं बता रहा हूँ अपर बॉडी का पूरा वर्कआउट का या फिर बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आप इसको वन मंथ फॉलो करके देखना ना आपकी बॉडी इंप्रूव कर जाए बहुत ज़्यादा, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले इस वाले वर्कआउट से गारंटी है। तो एक बार इसको अप्लाई जरूर करना, इंक्लूड करना इस वर्कआउट को जरूर अपने वर्कआउट प्लान में। प्रॉपर फील लेना जब आप कॉन्टैक्ट करो मसल्स को, प्रॉपर फील लेना। तो चलिए आपका फर्स्ट वार्म सेट कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे सेकंड वर्किंग सेट। तो वेट इंक्रीज कर रहे हो क्या जोड़े, और अब आपको रैप निकालने हैं, माइंड सेट कर लो कि आपको 15 टू 20 रैप्स निकालने हैं आपको सेकंड वर्किंग सेट। तो चलिए पोजिशन ले लो अपनी, बैक स्ट्रेट और ये स्टार्ट करो। वन टू थ्री फोर
बट आप ये याद रखना, आपको हर सेट के बाद 15 से 20 मिनट का एटलीस्ट रेस्ट लेना। मैं आपको वीडियो के लेंथी ना हो जाता इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, बट आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है हर चेस्ट के सेट के बाद। इवन कोई बॉडी पार्ट करो तो हर सेट के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये छोड़ दो। तो ये आपका थर्ड सेट कंप्लीट हो गया। फोर्थ सेट पे कर लेते हैं, जो कि फाइनल सेट है इस एक्सरसाइज का। इसमें भी हमको रेट इंक्रीज करना है। आपको हर सेट के बाद रेस्ट जरूर लेना, ये बात याद रखना। तो चलिए आपको फाइनल सेट है इस एक्सरसाइज का। 1, 2, 3, 4 बैक स्ट्रेट रह जाइए इसमें। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।10 इतना जानना आपको, पोजिशन परपेंडिकुलर रहना चाहिए। 12, 13, 14, 15। तो आपको करना क्या है, इस तरह से आपको चार सेट परफॉर्म करने हैं। आगे मैं शॉर्ट में बता रहा था ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने, बोरिंग ना लगे। तो आपको इस एक्सरसाइज चार सेट और परफॉर्म करने, मतलब टोटल आपको चार सेट करने। एक सेट करके मैंने बता दिया, इस तरह आपको रिपीट करना है तीन सेट और। तो चलिए आप ये सेकंड एक्सरसाइज होगी शोल्डर के लिए। अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर की। अब जो थर्ड एक्सरसाइज करेंगे हम शोल्डर की, उसमें क्या करना है आपको, ये एक्सरसाइज आपके इस वाले पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ से आपकी सेपरेशन करेगी एक अच्छा, या शोल्डर का यहाँ पोर्शन है इसमें एक अच्छा सेपरेशन आएगा इस वाली एक्सरसाइज की हेल्प से। तो चलिए वेट अपने अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। तो इसमें पोजिशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना आपको इस एक्सरसाइज में, तो कोई पोजिशन ले लेना कैसे, तो ठीक उसी पोजिशन में आपको परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए और इसको जो आपको पकड़ना है आपको अपने शोल्डर की चौड़ाई से उतनी ज्यादा चौड़ाई से पकड़ना है एक्सरसाइज। तो ये परफॉर्म कैसे करना है दिखा देता हूँ। पहले स्ट्रेट बैक और ये अपवर्ड चेस्ट, पीछे से शोल्डर लॉक होनी चाहिए ये। तो इस तरह ये आपने एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है।
तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको चार सेट कंप्लीट करने हैं, एक सेट मैंने करके बता दिया, तो इसी तरह आपको रिपीट करने हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट जैसे इंक्रीज हो जाए उसी तरह आपको वेट इंक्रीज करते जाना है। तो चलिए आपकी तीन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं शोल्डर की। अब जो लास्ट एक्सरसाइज आपको शोल्डर के लिए वो स्पेशली है डेड जॉइंट्स के लिए, अपने डेड्स इंप्रूव करने के लिए। तो इसमें आपको वेट ले लेना अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए, इसमें आप मैक्सिमम वेट मार सकते हो वैसे एक्सरसाइज में। तो इसमें क्या करना है, आपको चेस्ट अपवर्ड होनी चाहिए, थोड़े से शोल्डर बैक में लॉक कर लिया और ये पोजिशन होनी चाहिए आपको। 1 2 3 यार ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बैक लॉक के लिए, या जिस तरह मैं बता रहा हूँ परफॉर्म करना आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करने का फील हो जाएगा उस बॉडी पार्ट बैक लॉक्स में कि सच में कितनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। कई लोग इसको ऐसे परफॉर्म करते हैं, ये भी सही है बट उससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आपको लॉक करनी है चेस्ट अपर, थोड़ा सा बैक लेके लॉक और ये चीज करना। तो इस एक्सरसाइज को अगर परफॉर्म कर लोगे तो आपको उसी दिन फील हो जाएगा कि कितना फर्क होगा, ये हेल्पफुल है आपके डेड जॉइंट्स को ब्रॉड करने में बॉडी को अपर बॉडी को। तो चलिए इस वर्कआउट करके ये खत्म। तो जो अपन बॉडी को इम्प्रूव करने की लास्ट एक्सरसाइज हमारे को है आपकी बाइसेप्स। तो हम लास्ट एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। तो बाइसेप्स में आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हो वो आपको ये हैमर कर रहे हो जो कि आपकी विड्थ बढ़ाएगी बाइसेप्स की, ये आपकी मोशन ब्रॉड करेगी आपका। तो चलिए इसको परफॉर्म करता हूँ, इसके कई रूल्स हैं इस वाले एक्सरसाइज परफॉर्म करने के, तो मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले आपने डंबल ले लिए, पोजिशन सेट कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, पहला जो रैप होगा उसको ये करा आपने प्रॉपर एल्बो लॉक होनी चाहिए आपकी, और जब नीचे का आपको धीरे धीरे डालना और पूरा रेस्ट भी निकालना इतना रखना आपको थोड़ा सा आगे ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट रहे, और फिर आपको दूसरा रैप दूसरे नंबर से स्टार्ट कर देना। तो ठीक इसी तरह आपको परफॉर्म कर दिया एक्सरसाइज। इस तरह आपको हैमर करके चार सेट करने हैं, मैंने एक सेट करके बता दिया, इसी तरह आपको आगे के तीन सेट और परफॉर्म करने हैं। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज बाइसेप्स की कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज बाइसेप्स की जो कि होने वाली है आपकी कंसंट्रेशन कर। तो इसमें आपको लेना लाइट वेट, तो मैं एक लाइट वेट लेता हूं। तो आपको सीटेड कंसंट्रेशन कर करने से आपको पहले बेंच पर बैठ जाना है, उसके बाद जो वेट है आपको ये वाला जो पोजीशन दिख रहा है आपको ये आपको अपनी थाई पे ऐसे लगा लेना और इस हाथ को आपको रखना है अपने दूसरे नी पे, बट उससे सपोर्ट नहीं देना आपको, बस जस्ट वैसे। और आपको स्लो और कंट्रोल पोजीशन करनी है इसमें, हर रैप को फील करना है, आपका कंसंट्रेशन पूरा पीक पर होना चाहिए। जब भी आपका पीक लेवल बढ़ेगा और ये अपनी जो बाइसेप्स की पीक है उसको इम्प्रूव कर दिया, एक्सरसाइज सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए रैप स्टार्ट करते हैं इसकी। 1 स्लो स्लो नहीं चले जाना आपको, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ठीक इसी तरह दूसरे हाथ से आपको ये करना परफॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 जो मूवमेंट होगी मसल्स की वो स्लो होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। 5 6 7 8 9 10
तो ठीक है सर, आपको चार सेट परफॉर्म करने से, जैसे मैंने फर्स्ट सेट कंप्लीट करके बता दिया आपको, तो आगे के तीन सेट इसी तरह आपको फॉलो करना है। तो चलिए, दो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी इसकी 22 वर्कआउट की। अब हमारे दो एक्सरसाइज और बची है। चलिए, 22 वर्कआउट जो थर्ड एक्सरसाइज करेंगे हम, वो है आपकी इजी बार यूज करेंगे, और इसमें आपको करनी है बाइसेप्स कर्ल। वेट हमने लेकर लाइट, तो इसमें पोजिशन पहले सही कर लेना, स्ट्रेट हो और आपकी चेस्ट को अपवर्ड होनी चाहिए, बैक शुड बी स्ट्रेट, पूरा प्रॉपर फील लेना आपको मसल्स पर। इसमें आपको स्ट्रेट बार यूज नहीं करना, इसमें आपको इजी बार यूज करनी है, इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी बाइसेप्स पीक पर। ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स पीक को इंक्रीज करने के लिए। धीरे धीरे रिलीज करना आपको नीचे, और स्लो और कंट्रोल मूवमेंट होनी चाहिए आपको। तो जैसे ही आपका फर्स्ट सेट कंप्लीट होगा, इसके बाद आपको रेस्ट लेना, आपको क्या करना है, थोड़ी सी पोजीशन चेंज करनी है आपको। इसमें आपको मान लो 180 कर लेना एक्सरसाइज में, तो इसमें क्या करना है आपको, इसको अपोजिट ऊपर उठाना है। ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, आपको साइज इंक्रीज करना है बाइसेप्स का। तो इसके बाद जस्ट बार आपको परफॉर्म करनी है 3-4। एल्बो आपकी लॉक्ड होनी चाहिए, उनकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका एक सेट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने दो एक्सरसाइज कंबाइन करी, जो कि आपको पहली थी बारबेल कर्ल और सेकंड थी आपकी प्रोनेटेड कर्ल। तो इसी तरह आपको एक सेट कंप्लीट हो गया, इस तरह आपको चार सेट परफॉर्म करने, हर सेट के बाद आपको 15-20 मिनट सेकंड्स का रेस्ट लेना है। तो चलिए, आज की वीडियो करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज की वीडियो में पूरा अपर बॉडी का वर्कआउट बताया आपको, तो इसको एक बार आप ट्राई करना, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो चलिए, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स की। तो जो सेकंड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो है आपके ओवर हेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। तो चलिए, फिर बीच में रेस्ट लेते हैं, तो आप पूंछ में एक सीट जरूर लेंगे। मैं तो पिछले वाले जो रोज में फास्ट एंड करता, इससे आपकी मसल साइज कैटेगरी में जाती, आप मसल साइज गेन होगा, आपकी डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। इस वजह से आप वाटर इंटेक जरूर करें हर एक्सरसाइज के बाद। जब एक एक्सरसाइज के साथ सेट परफॉर्म करने के बाद जरूर एक सिप पानी की जरूरत होती है, जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपका एक अच्छा वर्कआउट होता है। तो चलिए, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो होती है आपकी बनवा लिया ओवर हेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। तो चलिए, पोजीशन सबसे ज्यादा ध्यान रखना आपको, ये नी जो आपकी एल्बो है वो आपको फ्रंट में रखनी है, और पीछे की पोजीशन आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, जो एल्बो से आपके शोल्डर तक की, उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए। और आप पूरा स्ट्रेस लेना लास्ट में, और फिर रिलीज करना है, और पूरा बॉडी को फील लेना है, जो मसल पार्ट आप करते हैं पूरा फील लेना है। मसल पार्ट ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी, बार बार ये चीज रिपीट करो, तभी आपकी ट्राइसेप्स ग्रो होगी। ट्राइसेप्स का पोजीशन वर्कआउट कर लो, पोजीशन बॉडी पार्ट सब में आपका मसल पार्ट ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका पहला वाला सेट है, जो कि आपका है बॉटम सेट। इसमें बिल्कुल लाइट वेट यूज करना है, और जितने मैक्सिमम रैपिंग कर सके उतने निकालना, और सबसे ज्यादा आपका पोजीशन का ध्यान रखना है, और जो आपकी यहां से रिस्ट है इसको फोल्ड मत करना है, इसको जब परफॉर्म करते हुए एक्सरसाइज को स्ट्रेट रहना चाहिए आपको, और लास्ट में पूरा स्ट्रेच करना है, और फिर स्लोली पीछे जाना है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना इस एक्सरसाइज को।
ये एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपको ट्राई एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, इसको जरूर ट्राई करना है, ट्राई एक्सरसाइज पर आओ। वीडियो थोड़ा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, तो इसको खत्म करके आप बालों से आप करने सेकंड से इसका वीडियो को करने सेकंड बना दें, इसमें आपको वेट बढ़ाना है अपने आप बोलते हैं, तो हम 5 मिनट के लिए इंक्रीज कर देते हैं। और जैसे कि मैं बताया कि 10 सेकंड के बीच में आपको 20 से 25 सेकंड का रेस्ट जरूर लेना, उसके बाद 20 सेकंड स्टार्ट करना है। और जो रेस्ट होगा